सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित ढांचे की जमीन हिंदुओं को सौंपने का आदेश दिया और केंद्र सरकार से 3 महीने के भीतर मंदिर के लिए ट्रस्ट गठित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मस्जिद के लिए केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में ही सूटेबल और प्रोमिनेंट जगह जमीन दे। कोर्ट ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना और 1949 में मूर्तियां रखना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामलला विराजमान को मालिकाना हक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना देवता एक कानूनी व्यक्ति है और कहा कि 2.77 एकड़ जमीन हिंदुओं के पक्ष में होगी। केंद्र सरकार 3 महीने के भीतर मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाएगी और ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा का प्रतिनिधि भी रहेगा। सीजीआई रंजन गोगोई ने कहा कि फिलहाल अधिग्रहित जगह का कब्जा रिसीवर के पास रहेगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन मिलेगी। कोर्ट ने शुरू में ही शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह फैसला सभी जजों की सहमति से हुआ। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि पुरातत्व विभाग ने मंदिर होने के सबूत पेश किए हैं। सैकड़ों पन्नों का जजमेंट पढ़ते हुए पीठ ने कहा कि हिंदू अयोध्या को राम जन्म स्थल मानते हैं और रंजन गोगोई ने कहा कि कोर्ट के लिए थियोलॉजी में जाना उचित नहीं है, लेकिन पुरातत्व विभाग ये भी नहीं बता पाया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी।